लबुशेंग स्मिथ ट्रेवस हेड, ट्रेवस हेड ओपनर ही था लेकिन उसने ऑस्ट्रेलियन टीम में बरकरार रहने के लिए यानी कि जुगाड़ लगे, नीचे भी बैटिंग शुरू कर दी। हमारे यहाँ भी वो 100 करके गया उस सीरीज में 2-1 वाली जिसमें इनका कोई बॉलर नहीं था, ओपनिंग ही की है इसने। उसकी चलना जाए, कोटा सिक्का बन के उतरा है वो, सेकंड इनिंग में ऊपर आया है वो। सुबह का 1 घंटा इस मैच को तय करने वाला है, घंटा तय करने वाला है। अगर कल का तीसरा दिन है ना जी, ऑस्ट्रेलिया के नाम तो रहने वाला नहीं है ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगर नेथन लॉयन और वो उनका डेब्यू स्पिनर उसके साथ दूसरा मैच जो उनका टॉड मर्फी है, अगर ये अबरार का कजन वो 2 झटके अगर इतना अच्छा बॉल कर सकते हैं ठीक है, तो फिर ये क्यों नहीं कर सकते भाई, इनके पास सारे महारत याफ्ता है, जडेजा जिनका, पटेल जिसका भी आम बॉल है, फिर अश्विन है जिनके अब एक्शन थोड़े ज्यादा हो गए मगर बॉल वो पिछले मैच में अच्छी करके गए सेकंड इनिंग में, तो मैं ये कह रहा हूँ सेकंड इनिंग में अच्छा बॉल और 37 बड़े वैल्यूएबल रन है उस पार्टनरशिप में, अश्विन भी है भाई वो तो सेंचुरियां मार चुके हैं ना यार, मैं कह नए बॉल से डरता हूं, नए पे आए हैं वो, नए बॉल से डरता है मैं ये कह रहा हूं, खुल के नहीं मारता, खुल के नहीं मारता, इस तरह का कैच देखे गए ना डर, वैसे मुझे फिर भी कहीं ना कहीं अश्विन ही लग रहा है कि अश्विन को ही 4-5 विकेट मिल सकती हैं, अब अश्विन ही जिता सकता है, अब वक्त आ गया है कि रविचंद्रन अश्विन को ये 2-2, 3-3 विकेट छोड़ के भारत को दिल्ली टेस्ट जितवाना चाहिए, ये मैं आपको बता दूं। और अब देखती हैं आपको सुनते कानो ये भी याद रखिएगा, आप उसको खा चुके हैं ख्वाजा को, एक एंट्री करा दी लबुशेंग और स्मिथ और हेड, इस वक्त जो दर्द सर बना हुआ है क्योंकि ट्रेवस हेड इज अ काइंड ऑफ प्लेयर हु ऑलवेज स्कोर क्विकली, ये तेज खेलता है, फॉर्मेट कुछ भी हो, देखिए ये मैं बात करता हूँ कि जो स्ट्रोक प्लेयर है वो स्ट्रोक्स पे नहीं जाएगा तो उसका डिफेंसिव रेंज बड़ा कम होता है, वो डिफेंस में आउट हो जाएगा, तो ट्रेवस हेड जो है वो मोर देन 70% शॉट मेकिंग करता है, इसका मतलब नहीं 70% के 70% छक्के और चौके मारता है, यानी वो खेलता है बॉल को बैट से, बाकी डिफेंसिव सॉलिड पुशेस वगैरह उसकी तरफ से आपको 25-30% मैक्सिमम देखने को मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। इस गेम में एक ही गैम्बल हो सकता था, डेविड वार्नर था नहीं वो गैम्बल लिए था, ट्रेविस हेड ये खोटा सिक्का बन के उतरा है, इसको जितने आज बना लिए इसने 39/40 है उसके, 97 का स्ट्राइक रेट है, 26 रन तो वो सिर्फ बाउंड्री से मारे हैं, बाकी भाग के बनाए हैं, इसका मतलब है भागना भी आता है इसको, आराम 14-15 रन भाग के भी बनाए मैं, और पर थोड़ा सा रोहित शर्मा को कप्तानी जो है ना कल वो जरा इम्तिहान भी उनका, ये बता दूं मैं आपको, कल डरा हुआ कप्तान नहीं चाहिए, कल चाहिए अटैकिंग कप्तान, यहाँ आपको बॉलर्स की मर्जी की फील्ड लेनी पड़ेगी, यहाँ बाउंड्रीज के ऊपर आपको ये कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी कि बाउंड्रीज बढ़ रही है, थोड़ा सा अटैक पे जाना पड़ेगा, 1 घंटे का प्रेशर ऑस्ट्रेलिया भसम हो जाएगा। एक ही